दोस्तों, अक्सर हम जब भी किसी भी प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, वो कितने मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है, वो कितने गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है। और अक्सर दोस्तों हम उसी मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ के चलते अपना फैसला बना लेते हैं। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इसी स्पीड के बारे में कि आखिर ये 1.4 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है और ऐसे में आपका क्या जानना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं, मान लीजिए कि कॉर्टेक्स A53, A57 वगैरह क्या होता है, या फिर अगर आपको दोस्तों मोबाइल फोन से प्रोसेसर्स को कंपेयर करने के लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे बताइएगा और मैं बनाऊंगा आपके लिए एक वीडियो जहां पे आपको बताऊंगा कि आप कैसे स्पेसिफिकली पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेसर किस मामले में किस प्रोसेसर से बेहतर है और अगर आप किन्हीं दो को कंपेयर करते हैं तो ऐसे में आप अपने लिए अपना फेवरेट जो है वो कैसे CPU या GPU चूज कर पाएंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं इन जनरल क्लॉक स्पीड के बारे में कि आखिर वो 1.4 गीगाहर्ट्ज़, 2 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ वगैरह वो आखिर है क्या। अब यहां पर दोस्तों देखिए कि जो भी आपका प्रोसेसर है, फिर चाहे वो आपका CPU हो, GPU हो, कंप्लीट चिपसेट हो या बेसिकली कोई भी दोस्तों ऐसा सर्किट जहां पे आप कुछ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और अगर दोस्तों मैं आपसे बात करता हूं किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट की तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में काम करता है। यहां पर दोस्तों एक ऐसी क्लॉक लगी होती है जो एक पर्टिकुलर स्पीड से उन सभी सर्किट्स को ऑन या ऑफ करती रहती है। अब यहां पे वो जितना जल्दी ऑन ऑफ होगा, जितना जल्दी यानी कि एक सेकंड में जितना ज्यादा बार वो ऑन ऑफ होगा, उतनी ही दोस्तों तेजी से वो जो कंप्लीट सर्किट है वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने स्विच लगाए हैं बहुत सारे उस सर्किट में और सभी जो स्विच हैं वो रैंडमली जो अपने सीक्वेंसेस को चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए ऑन ऑफ हो रहे हैं, तो वो जितना तेजी से होंगे उतना ही दोस्तों तेजी से जो आपका डेटा है वो कंप्लीट फ्लो होगा उस सर्किट के थ्रू और ऐसे में जो आपकी प्रोसेसिंग है वो सभी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहां पर दोस्तों आपने देखा होगा, मान लीजिए आप 5 साल पहले, 7 साल पहले वो प्रोसेसर को अगर आप चूज करते हैं, मान लीजिए वो इंटेल का i3 था बिल्कुल शुरुआत वाला, या फिर मान लीजिए इवन आपका Core 2 Duo था या फिर Pentium 4 वगैरह था, उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसीज थी मान लीजिए वो थी 2.2 गीगाहर्ट्ज़, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ या 3 गीगाहर्ट्ज़। और आज की डेट में भी जो आपको मिलता है मान लीजिए i5 या फिर i7, वहां पे आपको देखने को मिलती है मान लीजिए से 2.5 गीगाहर्ट्ज़, 3 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 3.5 गीगाहर्ट्ज़। तो ऐसे में इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया, जो काम हम करते थे उस Core 2 Duo में वही हम आज भी कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा यहां पे नहीं है, क्योंकि जो क्लॉक स्पीड है वो सिर्फ इसका एक ये मायना है कि वो कितनी तेजी से जो सर्किट है उसमें स्विचिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में उस सर्किट की बनावट कैसी है उस पर दोस्तों बहुत बड़ा असर डालती है ये चीज कि क्या पता जो काम करने में आपको सर्किट को 5 बार ऑन ऑफ करना पड़ता हो तब जाके आप एक पर्टिकुलर काम कर पाते हो, लेकिन अगर आपने नया प्रोसेसर जो बनाया है वो उसका डिजाइन काफी अलग है, वो जिस तरीके से बनाया गया है वो तरीका कंप्लीटली अलग है, तो क्या पता वो 5 बार वाला काम अब वो सिर्फ 1 बार में ही कर दे। तो ऐसे में अगर आपकी क्लॉक स्पीड सेम भी है तो भी दोस्तों जो नया वाला प्रोसेसर होगा वो 5 गुना तेज होगा कंपेयर टू पहले वाला। और दोस्तों यहां पे जो आप सुनते हैं मेगाहर्ट्ज़ वगैरह तो बहुत ही सिंपल है, 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब 1 मिलियन टाइम्स जो है वो आपकी जो क्लॉक है वो ऑन ऑफ या फिर हाई लो वगैरह हम कुछ भी कहें वो होती है। ऐसे में अगर आपसे बात करता हूं 1 गीगाहर्ट्ज़ की तो 1 बिलियन टाइम्स एक सेकंड में दोस्तों वो स्विचिंग होती है। और ऐसे में बहुत से काम होते हैं जहां पे मान लीजिए आपको चाहिए होती है 10 बार की स्विचिंग, बहुत से काम होते हैं जहां पे मान लीजिए आपको चाहिए होती है 50 बार की स्विचिंग, तो वो पर्टिकुलर काम करने में आपको 50 बार सर्किट को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अब ऐसे में आप सोच के देखो कि 1 सेकंड का कौन सा हिस्सा होगा जहां पे वो 50 बार ऑन ऑफ हो जाए और इतनी ही देर में आपका जो कंप्लीट काम है, जो कंप्लीट प्रोसेसिंग है वो यहां पे पूरी हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको क्लॉक स्पीड के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो समझ में आई होगी कि ये सिर्फ और सिर्फ उस सर्किट की स्विचिंग को बताता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उस सर्किट बनाया कैसे गया है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जो डिजाइन है वो कैसा है, ये सब बातें जो है ये और ज्यादा अच्छे से आपको मदद करेंगे कंपेयर करने में। आप सिर्फ क्लॉक स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते, वरना फॉर एग्जांपल स्नैपड्रैगन का जो 625 है वो दोस्तों 2 गीगाहर्ट्ज़ पे काम करता है,
लेकिन जो स्नैपड्रैगन का 650 है वो सिर्फ 1.8 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, या फिर इवन अगर आप ले लें 1.8 गीगाहर्ट्ज पे काम करने वाला स्नैपड्रैगन 820 का वेरिएंट, तो उसकी जो क्लॉक स्पीड है वो कम है, लेकिन फिर भी जो आउटपुट है, जो परफॉर्मेंस है, वो बड़ी ही कमाल की है अगर आप कंपेयर करते हैं उसे स्नैपड्रैगन 625 के साथ में। तो यहां पर दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, और अगर आपको और आगे ज्यादा जानकारी चाहिए कि कॉर्टेक्स A53 क्या है, A57 क्या है, A72 क्या है, इन सभी का कंप्लीट क्या मतलब है, क्या 14 नैनोमीटर का मतलब होता है, क्या 20 नैनोमीटर का मतलब होता है, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप नीचे अपनी राय रखिए और बाद में आपसे मिलूंगा आने वाली वीडियो में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।